हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो लाइन पर। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पे आती है टाटा पंच। इस गाड़ी के 8453 यूनिट बिके हैं। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 5,50,000 से लेकर 9,40,000 तक। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। अगर बात करें माइलेज की, इस गाड़ी में लगभग 18 से 19 KMPL का माइलेज मिलता है। हाल फिलहाल मार्केट में ये इंडिया की सबसे सेफ कार है। 9th पोजीशन पे आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस गाड़ी की 9,180 यूनिट बिकी है। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 6.25 लाख से लेकर लगभग 8,70,000 तक। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो इसमें मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन मिलता है। इस गाड़ी में लगभग 23 से 24 का माइलेज मिलता है। 8th पोजीशन पे आई है टाटा नेक्सॉन। इस गाड़ी की 10,096 यूनिट बिकी है। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 7,30,000 से लेकर 13,25,000 तक। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल फ्यूल ऑप्शन में मिलती है। अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो ये गाड़ी मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में मिलती है। इस गाड़ी में लगभग 16 से 22 KMPL का माइलेज मिलता है। 7th पोजीशन पे आई है मारुति इको। इस गाड़ी की 10,320 यूनिट बिकी है। अगर बात करें शोरूम प्राइस की, तो ये गाड़ी लगभग 4,30,000 से लेकर 5,60,000 में मिलती है। इस गाड़ी में पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं। ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। इस गाड़ी का माइलेज है लगभग 16 से लेकर 30 KMPL तक। 6th पोजीशन पे आई है किया सेल्टस। इस गाड़ी की 10,488 यूनिट बिकी है। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 10 लाख से लेकर 18,10,000 तक। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन में मिलती है। इस गाड़ी में मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक, ये तीन ट्रांसमिशन मिलते हैं। अगर बात करें माइलेज की, तो लगभग 16 से 20 KMPL का माइलेज मिलता है। 5th पोजीशन पे आई है ह्युंडई वेन्यू। इस गाड़ी की 10,554 यूनिट बिकी है। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 7 लाख से लेकर 11,85,000 तक। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल फ्यूल ऑप्शन में मिलती है। इस गाड़ी में मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अगर बात करें माइलेज की, तो लगभग 17 से लेकर 23 KMPL का माइलेज मिलता है। 5th पोजीशन पे आई है वैगनर। इस गाड़ी की 12,335 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस चालू होती है 4,90,000 से लेकर 6,50,000 तक। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी में लगभग 20 से 32 KMPL का माइलेज मिलता है। 3rd पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा। इस गाड़ी की 12,923 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस चालू होती है 8 लाख से लेकर 10,70,000 तक। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में मिलती है। इस गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दो टाइप के ट्रांसमिशन मिलते हैं। अगर बात करें माइलेज की, तो इसमें 18 से लेकर 26 KMPL का माइलेज मिलता है। 2nd पोजीशन पे आई मारुति बलेनो। इस गाड़ी की 15,573 यूनिट बिकी है। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 6,00,000 से लेकर 9,30,000 तक। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में मिलती है और मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी में लगभग 19 से 22 KMPL का माइलेज मिलता है। और 1st पोजीशन पे आई है मारुति अल्टो। इस गाड़ी की 17,379 यूनिट बिकी है। इसकी एक शोरूम प्राइस चालू होती है 3,15,000 से लेकर 4,82,000 तक। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में मिलती है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसमें लगभग 22 से 31 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो यही थी वो 10 गाड़ियाँ जो कि अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।